चार दिनों के चलने वाला लोक आस्था का महापर्व की शुरुआत हो चुके हैं। आज आए खाए आप देख सकते हैं कि अभी हम पटना के NIT घाट पर मौजूद है, जहाँ इस बार फिर से गंगा नदी में जो है नहाय स्वागत करने वाले एकत्रित हो रही है। आपको बता दें कि कल जो है खरना है और परसों पहली अरब और परसों जो है पारण के बाद ये पावन पड़ जाए और समाप्ति हो जाती है। पहले आपने लगा देखिए किस तरह से जो है इस घाट की व्यवस्था की बात करें तो इस पर जो घाटों में काफ़ी तब्दीली आई है, क्योंकि इस तरह से देखते छोटे छोटे बैरिकेटिंग करके घाट को बनाया गया है। और इस तरफ अपने बाएं ओर से देखना चाहिए कि किस तरह से जो है चेंजिंग रूम के साथ साथ जो है NDRF की टीम भी और SDRF की टीम भी यहाँ मौजूद है। और खास करके कैमरे की बात करें तो आप देख सकते हैं कि हर जगह जो है CCTV कैमरे से निगरानी किया जा रहा है कि किसी तरह का कोई भी अगर उपद्रव करता हो तो उसके ऊपर कार्रवाई हो। लेकिन पहले यह नजारा देख रहे कि किस तरह से NIT घाट में जो लोगों के लिए जो है उसके लिए व्यवस्था किया गया, कोई खास व्यवस्था नहीं किया। लेकिन जिस तरह से यहाँ नजारा है तो ये छोटे छोटे करके देखिए हर पार्ट बाई पार्ट जो है वहाँ घाट को बनाया गया। काफ़ी दलदल भी है, आपको वो भी हम देखना चाहेंगे अपने सहयोगी से कहें कि आगे बढ़ के वो नजारा देखना कि किस तरह से जो है दलदल भी है। ये घाट पर काफ़ी जो व्रत करने वाले हैं लोग हैं उनको भी समस्या हो सकती है। अलग जो व्यवस्थाएँ जो है आपको शहर लगातार आपको दिखाई रहे कि किस तरह से NIT घाट में जो व्यवस्था किया गया जिला प्रशासन की ओर से वो कुछ खास व्यवस्था नहीं है। कई लोगों का भी कहना है कि व्यवस्था के बारे में कि इस बार जो है जो पहले के जैसा NIT घाट में कोई ऐसा व्यवस्था नहीं है। हम बात करने के लिए घाटों पर व्यवस्था किया गया है, क्योंकि पिछली बार ये बच्चे जितने लोग हैं कई लोग का कहना है कि इस बार जो है घाट में ये सुविधा नहीं दिया गया है। चेंजिंग रूम की बात किया जाए कंट्रोल रूम भी बनाया गया है और बैरिकेडिंग के साथ साथ जो लाइटिंग की व्यवस्था किया गया है तमाम चीज़ जो है जो घाट गंगा नदी में उतरते हैं लोग जो घाट करने वाले उनको लेकर काफ़ी दिक्कतें हैं। आप देख सकते बैरिकेडिंग किया गया यहाँ पे आ रहे हैं। खास करके अपने दाहिने साइड में देख रहे कि किस तरह से जो दलदल नुमा टाइप का बना हुआ है वहाँ भी काफ़ी लोगों को दिक्कतें हो रही है। हालांकि लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे कि इस बार जो है घाटों में क्या व्यवस्था किया गया है। कितना साल की छठ है और यहाँ पे चेंजिंग रूम भी बनाया गया, इस सब के लेकर क्या कहेंगे आप? दलदल नुमा भी दिख रहा है यहाँ पे, व्यवस्था तो चल ही रहा है, बढ़िया हो जाएगा। दलदल वगैरह कैसा पानी में दलदल है कि नहीं है? अभी हल्का है, हल्का दलदल है। पता मोबाइल नंबर घाटों की साफ सफाई का इतना दलदल में आएंगे बच्चे लोग रहेंगे कुछ हो जाएगा तो प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं। पिछले बार से मतलब बहुत बेकार कहाँ से आ रही है आपने? आपके परिवार की अनिवार्य है। तो आपने सुना जिस तरह से जो यहाँ व्रत करने वाली महिलाएं या पुरुष वो आए हैं और उन्होंने 7 रुपये का इस बार जो पिछले साल से एकदम घटिया व्यवस्था किया गया है, सरकार से आग्रह किया और प्रशासन से हम यहाँ पर पूजा करने नहीं आए। हालांकि और देखने वाली बात हुई कि आगे कई लोगों का क्या राय है देखने की बात हुई। पुलिस पदाधिकारी थाना अध्यक्ष या जिला नियंत्रण कक्ष को दे और उस संदिग्ध वस्तु को आपसे अपील करता है कि कृपया छठ पूजा के लिए नाव का उपयोग सही समय पर महिलाओं और बच्चों का विशेष घाटों और संपर्क पदों पर आतिशबाजी बिल्कुल न करें। एलसीटी घाट बैनपुरा के पास अपना समय देकर उनके भागीदारी बने स्थान एलसीटी घाट।
उठता नहीं तो कल उठाता है। घर से निकलते समय अपने बच्चे के पॉकेट में नाम, पता, मोबाइल नंबर लिखकर अवश्य रखें।